बुरहानपुर जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 अगस्त को एक 10 पहिए का डंपर घोसीवाड़ा फाटे से चोरी हुआ था। इस चोरी को लेकर आईजी और डीआईजी ने भी संज्ञान लिया, जिसके बाद बुरहानपुर एसपी के निर्देशन में टीम बनाई, जिसके बाद शिकारपुर टीआई कमल पवार और उनकी टीम ने आरोपियों को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया, जिसमें 2 आरोपी महाराष्ट्र के और एक बुरहानपुर मध्य प्रदेश का बताया जा रहा है। आरोपियों के पास से 2.5 लाख रुपये नकद और 4 लाख का सामान सहित बाइक बरामद हुई। चोरी से जुड़ा हुआ वाला मामला है, जिसके अंदर की थाना शिकारपुरा की पूरी टीम ने इसको पर्दाफाश किया है, क्योंकि चोरी की घटनाओं को लेके आईजीपी इंदौर रूरल जोन अनुराग सर और डीआईजी बहुगुणा सर दोनों के द्वारा लगातार इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है और मेरे द्वारा भी इस संबंध में लगातार इनको निर्देशित किया गया है। तो शिकारपुरा के अंतर्गत 2 अगस्त को एक 10 चक्का डंपर टाटा कंपनी का MP47H0282, जिसकी कीमत करीब 8 लाख रुपए है, घोसीवाड़ा फाटे से ये चोरी हुआ था। क्योंकि इस मामले में जब पहले भी लगे थे तो उसकी सीसीटीवी फुटेजेस और रास्ते के टोल और जो बेसिक पुलिसिंग है उसको लगातार कर रहे थे हम लोग, किंतु उस वक्त ये ट्रेस नहीं हो पाया था। किंतु छोटे छोटे क्लू और बाकी सब लोगों से भी लगातार पुराने जो मुखबिर हैं उन सबको भी एक्टिवेट किया हुआ था और इस ट्रक से जुड़े हुए जितने ड्राइवर्स और उनकी भी हम पूरी जानकारी इकट्ठी कर रहे थे। तो हुआ ये कि इसके जो मालिक है, इसके यहाँ पर 15 दिन पहले एक जो प्रमोद पिता राजाराम चौधरी अक्षरधाम कॉलोनी लालबाग का था, ये भी 2 दिनों तक इसके यहाँ पर ड्राइविंग के लिए आया था, बाद में चला गया था। जब इसको ट्रेस किया और इसकी एक्टिविटी को ट्रेस किया और सीसीटीवी फुटेजेस और बाकी सब चीज़ों को देखा तो ये क्लियर हुआ कि इसी ने यह घटना को कारित की है।